फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ये पूछते हैं कि ए और वन में क्या फर्क है, यानी ए मीन्स एक और वन मीन्स एक, तो कैसे जाने कि एक के लिए कब हमको अ का यूज करना है और कब हमको वन का यूज करना है। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। बहुत दिलचस्प टॉपिक है और थोड़ा ट्रिकी भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ए और वन के बारे में मैं आपको दो यूज बताऊंगा। पहला जो कॉमन है यानी हम सभी जानते हैं, और दूसरा हम में से बहुत कम लोग जानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले वो देखिए जो कॉमन है, आमतौर पर हम उसे जानते हैं। अ आ वन बोथ मीन वन, चाहे अ हो या वन दोनों का मतलब एक होती है। यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली, आप इन दोनों का यूज एक दूसरे की जगह कर सकते हैं। ओनली वन डिफरेंस इज दैट, सिर्फ एक डिफरेंस है वो ये है। वन पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द नंबर सच एज, एक जगह पर वन का यूज थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस होती है यानी असरदार होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव वन बुक, तो यहाँ वन से थोड़ा एम्फेसिस हुआ यानी इस बात पर जोर दिया गया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक किताब है। तो फ्रेंड्स, आपने यह सीखा कि ए और वन दोनों का यूज एक के लिए हुई है। दोनों में बस एक मामूली फर्क ये है कि ए के कंपेयर में वन का यूज थोड़ा ज्यादा असरदार होती है। फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूँ आई हैव अ ब्रदर, और मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव वन ब्रदर। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब हुआ कि मेरे पास एक भाई है। बस दोनों में एक मामूली फर्क यही है कि जब मैंने बोला वन तो यहाँ नंबर पे थोड़ा जोर दिया गया यानी एम्फेसिस किया गया। तो आइए फ्रेंड्स अब वो दूसरा रूल देखिए जहाँ ए और वन इंटरचेंजेबल नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, वन मीन्स ओनली वन बट ए मीन्स एनी। फ्रेंड्स, वन मीन्स तो एक होती है, लेकिन वर्ड ए का मतलब एक तो होती है साथ ही साथ एनी भी होती है। यानी कई बार वर्ड ए का यूज हम एनी के सेंस में करते हैं यानी कोई के सेंस में करते हैं। जैसा कि यह बात मैंने आपको पार्ट 48 में बता चुका हूँ कि वर्ड ए का यूज एनी के लिए होती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे घर के दरवाजे पर एक पोस्टमैन खड़ा है जो मुझे ढूंढ रहा है, और मैं घर के अंदर हूँ, और मेरा भाई उस पोस्टमैन को देखा लेकिन मेरा भाई उस पोस्टमैन को नहीं पहचानता है। तो मेरा भाई मुझसे कहेगा कि दरवाजे पर एक डाकिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है, या मेरा भाई ये भी कह सकता है कि कोई डाकिया तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए हम कहेंगे अ पोस्टमैन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। तो फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस आप पार्ट 48 में सीख चुके हैं और आपको ये बात पता है कि ए का यूज एनी के सेंस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको बता दूं कि वन और ए कैसे आपस में अलग अलग हैं। यानी यहाँ पर वन की जगह पर ए या ए की जगह पर वन नहीं लिखा जा सकता। तो आइए फ्रेंड्स उस एग्जाम्पल को देखते हैं। अ पैरट कैन इमिटेट द ह्यूमन वॉइस। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है एनी पैरट ऑल पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, यानी कोई भी पैरट इंसान की आवाज की नकल कर सकता है। यहाँ वर्ड ए से एनी या आल का पता चलता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ वन पैरट कैन इमिटेट द ह्यूमन वॉइस, तो इसका ये सेंस हुआ ओनली वन पैरट कैन इमिटेट द ह्यूमन वॉइस नॉट ऑल पैरट्स। तो इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि सिर्फ एक पैरट इंसान की आवाज की नकल कर सकता है, बाकी और नहीं। यानी ऐसा सिर्फ एक ही कर सकता है, बाकी कोई और पैरट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि वर्ड ए और वन आपस में कितने डिफर हैं। यानी यह वर्ड ए और एन का यूज बिल्कुल अलग है। यहाँ वर्ड ए से पूरे पैरट का पता चल रहा कि ए टू जेड कोई भी पैरट इंसान की आवाज को इमिटेट कर सकता है यानी उसकी नकल कर सकता है। जबकि यहाँ वर्ड वन से सिर्फ ये पता चला कि सिर्फ एक पैरट ही ऐसा कर सकता है, बाकी कोई और पैरट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह डिफरेंसेस समझ में आया कि ए का यूज एनी या आल के लिए होती है, जबकि वर्ड वन का यूज सिर्फ एक के लिए होती है और जिससे नंबर का पता चलता है। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है अ लायन कैन रन मोर देन 2 किलोमीटर्स इन अ टाइम। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि एक शेर एक टाइम में 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। यानी यहाँ वर्ड अ से ये पता चला कि कोई भी शेर ए टू जेड कोई भी शेर एक टाइम में 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। यानी फ्रेंड्स, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मली सभी शेर एक टाइम में 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं,
लेकिन फ्रेंड्स अगर लिखा हो वन लायन कैन रन मोर देन 2 किलोमीटर इन अ टाइम, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ ओनली वन लायन कैन डू दिस नॉट ऑल लायंस, कि सिर्फ एक लायन एक वक्त में 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, सिर्फ एक ऐसा कर सकता है, बाकी कोई और लायंस ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि एक यूज कोई या सभी के सेंस में होती है, जबकि वन का यूज सिर्फ एक के लिए होती है। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो फिर मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। अ मैन कैन लिव फॉर 7 डेज विदाउट ईटिंग और वन मैन कैन लिव फॉर 7 डेज विदाउट ईटिंग, इन दोनों का मीनिंग क्या है? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।